ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और सीधा लिए चलते हैं आपको झांसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां विकास की सौगात देने वाले हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। क्या कह रहे हैं सीएम, आपको सुनवाते हैं। उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर दरमान यहाँ के लिए दी, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर पहली बार प्रदेश में हम लोगों ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की है और 23-24 के लिए 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फेलोशिप देते हुए 32,35,000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से अभी अंतरण करने किया अभी अंतरण किया गया है। इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया। आज यहाँ पर 1900 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनमें से मुझे 2-3 परियोजनाओं को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपनी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत झांसी के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी को देखा और मैं चाहूंगा हर विद्यार्थी हर नौजवान उस लाइब्रेरी में एक बार जरूर जाए। कितनी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है, पहले क्या था आज क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है और मिशन के अंतर्गत बनी हुई लाइब्रेरी अपने आप में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता को एक नया आयाम प्रदान करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी का म्यूजियम भी बनाया गया है। हर खिलाड़ी से हरिवा से मैं कहूंगा कि मेजर ध्यानचंद जी के प्रति समर्पण का भाव क्या है, यह म्यूजियम उसका मूर्त रूप है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। आप बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उस समय प्रधानमंत्री ने मुझे कहा था कि सबसे पहले बुंदेलखंड की ही यात्रा करना है। और भाइयों बहनों, मैं बुंदेलखंड आया था। जब मैं यहाँ आया था तो स्वतंत्र देव जी ने यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी भी नहीं है और पानी की भी समस्या है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। हर घर की योजना जल जीवन मिशन में आज प्रभावी ढंग से लागू होने जा रही है और कुछ ही दिनों के अंदर हर घर तक आरओ का पानी हम लोग पहुंचाने में सफल होंगे। बुंदेलखंड का एक सपना साकार हो जाएगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड की सिंचाई की तमाम परियोजनाओं को पूरा किया गया है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। तो साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह भूमि आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी जानी जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर झांसी में भारत डायनेमिक्स की यूनिट स्थापित हो रही है। एक नोड झांसी में और एक नोड चित्रकूट में विकसित हो रहा है। तो भाइयों बहनों, इसके साथ ही 38,000 एकड़ क्षेत्रफल में नोएडा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को पहले रिलीज कर दिए हैं, जिसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा। और मैं कहूंगा अब तक बुंदेलखंड का नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भले बुंदेलखंड से प्लान कर रहा होगा, लेकिन भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और
जब यहाँ पे औद्योगिक दृश्य विकसित क्षेत्र बनेगा तो भाइयों बहनों दुनिया कार्य करने के लिए झांसी बुंदेलखंड में आएगी और यह नौकरी और रोजगार के नए हब के रूप में स्थापित होगा। यह जो क्षेत्र विकसित हो रहा है, एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, दूसरे तरफ कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग और इसके बीच में बनेगा एक नया एयरपोर्ट जो झांसी के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा और एक बुंदेलखंड पहला क्षेत्र होगा जिसके पास दो दो एयरपोर्ट होंगे, एक एयरपोर्ट झांसी में एक चित्रकूट में। ललितपुर में भी हमारा फार्मा पार्क एक नई गति पकड़ रहा है और भाइयों बहनों जब आप बुंदेलखंड के विकास को देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह अनुभूति होती है जो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे विधायकों ने इनके मेहनत से, इनके पुरुषार्थ से आज एक कदम पकड़ दी जा रही है। ये जो प्रस्ताव रखते हैं बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखकर यहाँ की माताओं की, यहाँ की बहनों के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के किसानों के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए हम इसको नजरअंदाज नहीं करते, कहते कम होगा, बड़ा नहीं करते, कहते जितना पैसा चाहिए बुंदेलखंड के लिए उतना पैसा वहां के विकास के लिए लगाएंगे। और आपने एक बार फिर से विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ बुंदेलखंड की धरती को नमन करने के लिए, मानी श्री बाई की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और मेजर ध्यानचंद जी की इस पावन धरा को नमन करने के लिए विशेष रूप से आया हूँ राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करने के लिए जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत